नमस्कार, बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। जब कोई महिला अपनी वर्जिनिटी यानी कि कौमार्य होती है तो उसके बाद उनके शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं, जैसे कि उनके स्तन उत्तेजना के वक्त बड़े हो जाते हैं। कहा जाता है कि उत्तेजना के समय महिलाओं के स्तन 25% तक बड़े हो सकते हैं, यानी कि अगर आपकी ब्रा पहले से ही बहुत टाइट है तो आपको थोड़ी सी ढीली ब्रा खरीदनी पड़ सकती है। जब आप अपनी वर्जिनिटी खो देते हैं तो उसके बाद आपके शरीर में एक बदलाव ये भी आता है कि आपके निप्पल ज्यादा संवेदनशील हो जाएंगे, यानी कि जब भी आप उत्तेजित होंगे तो हो सकता है कि आपके निप्पल में हल्का दर्द का एहसास हो। ऐसा इसलिए होने लगता है क्योंकि जब महिलाएं शारीरिक संबंध बनाती हैं तो इससे महिलाओं के निप्पल में ज्यादा तेजी से रक्त प्रवाह होता है। वहीं लड़कियां जब पहली बार संबंध बनाती हैं तो हाइमन टूटने की वजह से उनकी योनि से खून बहता है। हालांकि ऐसा हर महिला के साथ नहीं होता, कुछ महिलाओं का संबंध बनाने से पहले ही हाइमन टूट चुका होता है। कई बार ऐसा एक्सरसाइज करते हुए हो सकता है, या जो लड़कियां खेलकूद में ज्यादा रहती हैं तो उनका भी हाइमन अक्सर पहले ही टूट जाता है। वर्जिनिटी होने के बाद महिलाओं में ऐसा होना बहुत ही सामान्य है। बता दें कि जब भी कोई महिला पहली बार संबंध बनाती है तो उनके पीरियड्स की टाइमिंग बदल जाती है। हो सकता है कि उनके पीरियड्स में देरी हो, ऐसा होना भी सामान्य है। वहीं वर्जिनिटी होने के बाद ऐसा अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं का वजाइनल क्षेत्र लचीला हो जाता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद महिलाओं की वजाइनल वॉल्स और ज्यादा फैल जाती है और क्लिटोरिस का आकार भी बढ़ जाता है। अगर आप बार बार संबंध बनाते हैं तो ये और ज्यादा लचीला होता जाता है। हालांकि इसका फायदा ये होता है कि आपको संबंध बनाने के दौरान दर्द कम होने लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।